पाठ 10 आजादी का मूल्य निबंध। आजादी क्या है और यह कैसे छिन जाती है, इसकी रक्षा कैसे करें, इन्हीं विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है। हर प्राणी अपनी मर्जी से खाना पीना, घूमना फिरना और काम करना चाहता है, किंतु कभी कभी उसे किसी और व्यक्ति के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, तब उसकी आजादी छिन जाती है। इसलिए आजाद रहना सबसे बड़ी खुशी है। आज हमारा देश आजाद है, किंतु इसे सैकड़ों वर्ष की गुलामी सहन करनी पड़ी थी। अंग्रेज व्यापार करने के बहाने आए और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाकर हमें पराधीन बना लिया। उन्होंने हमारे ही देश में हम भारतीयों का तरह तरह से अपमान किया और हमें अनेक कष्ट दिए। तब हमारे कुछ देशभक्तों जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु, लाला लाजपत राय आदि ने देश को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प किया। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ा, सैकड़ों देशभक्तों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े। देश को आजादी मिली, इसलिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपके विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता होगा। बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए उन्हें भाषण सुनाए जाते हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, प्रधानाचार्य जी से फहराते हैं और बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मिठाइयां भी वितरित की जाती हैं। आजादी को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करते हुए आपसी एकता बनाए रखनी होगी। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे फिर से गुलाम हो जाने का खतरा रहेगा। हम पिंजरे में बंद पंछी जैसे व्याकुल और दुखी हो जाएंगे। अतः आजादी की कीमत समझते हुए हमें इसकी जीत